देखिए बेटा मैट्रिसेस में हमने लास्ट टाइम किए थे सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस। आज मैं एक क्वेश्चन फोर करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन है कहता प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता प्रूव करो कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन का सम। क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बार रिकॉल कर दूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें रिजल्ट सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होते हैं। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और रिजल्ट नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। हां जी क्लियर है पॉइंट। तो अब इसके अंदर हम इसको प्रूव करेंगे किसको कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसे हमें प्रूव करना है ठीक है। लिख सॉल्यूशन में लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स then a equal to half into me a plus a transpose plus half into me a minus a transpose। मैंने a को इस तरीके से लिख दिया। इस पोर्शन को हम p मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे q ठीक है। तो अब लिखिए that is equal to p plus q c where p equal to half into me a plus a transpose and q equal to half into me a minus a transpose। क्लियर है पॉइंट बोलिए। अब मैं इसको सिमेट्रिक प्रूफ करूंगा और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करूंगा। नाउ p ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज सर हाफ पर किसी ट्रांसपोज हो आप हां a plus a transpose to the transpose because k a whole transpose equal to k of a transpose। k scalar quantity है, scalar quantity का transpose नहीं होता, उसको हम बाहर ले ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा देखिए p transpose equal to half a transpose plus a transpose to the transpose because a plus b whole transpose equal to a transpose plus b transpose। अब इसको हम लिखेंगे बेटा b transpose equal to half a transpose plus a because a transpose to the transpose equal to a b transpose equal to half a plus a transpose that is equal to p that is equal to p therefore p is symmetric matrix is a symmetric matrix। हमने इस पार्ट को क्या प्रूफ कर दिया p वाले पार्ट को symmetric। अगर मैं q वाले पार्ट को skew symmetric प्रूफ कर दूं तो दोनों का सम मेरा किसके इक्वल है matrix के ठीक है। अब आगे देखते also also q equal to half
ए माइनस ए ट्रांसपोज। implies that Q transpose equal to half A minus A transpose to the transpose, that is equal to half A minus A transpose to the transpose, because K A whole transpose equal to K of A transpose. Q transpose equal to half A transpose minus A transpose to the transpose, because A minus B whole transpose, that is equal to A plus minus of B whole transpose, that is equal to A transpose plus minus of B transpose, that is equal to A transpose minus B transpose. क्लियर है पॉइंट? तो अब हम इसको लिख सकते हैं Q ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ A ट्रांसपोज माइनस A, बिकॉज A ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इक्वल टू A, Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q, देयरफॉर Q इज A स्क्यू सिमेट्रिक matrix. Q is a skew symmetric matrix. Any clear hai koi? Boliye. Q is a skew symmetric matrix. Ab aap aage likhenge 10, 10, equal to P plus Q thus comma A equal to P plus Q comma where P is a symmetric, where P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. Q is a skew symmetric matrix. And clear it? Next line में आइए. Hence, comma, A is expressible. Hence, comma, A is expressible as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. लेकिन क्वेश्चन में है कि ये यूनिक होना चाहिए. यूनिक का मतलब क्या है? मैंने पहले A को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक पार्ट को सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, एक पार्ट को अब मैं A स्क्वायर मैट्रिक्स जो मेरे पास है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, लेकिन पहले पार्ट को मैं सिमेट्रिक मानूंगा और दूसरे पार्ट को मैं स्क्यू सिमेट्रिक, और आफ्टर द सिंपलीफिकेशन सिमेट्रिक पार्ट में इसके इक्वल लेके आऊंगा और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में इसके इक्वल लेके, तो वो यूनिक केस हो जाएगा. यूनिक केस का मतलब है किसी भी तरीके से आप चले, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पोर्शन ये होता है और स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन ये. हां जी, क्लियर है पॉइंट? अब लिखिए यूनिकनेस, हेडिंग डालिए यूनिकनेस. यूनिकनेस
such that लिखिए if possible uniqueness के बाद ये such that का sign, अब आगे लिखिए if possible if possible comma let a equal to r plus s let a equal to r plus s comma where r is metric where r is metric and s is skew symmetric then comma a transpose equal to r plus s transpose a transpose equal to r plus s whole transpose that is equal to r transpose plus s transpose and it clear hai that is equal to r minus s kyun because r transpose equal to r क्यों माना आर ट्रांसपोज इक्वल टू आर क्योंकि आर को मैंने क्या माना है सिमेट्रिक माना है और एस ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एस क्यों क्योंकि एस को हमने क्या माना है स्क्यू सिमेट्रिक माना है किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं रिजल्ट मैट्रिक्स होता है तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक और किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ध्यान रखना दोनों केस में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें रिजल्ट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक अब बेटा इन दोनों को ऐड कर दीजिए इसको अगर हम इसको फर्स्ट कह दें और इस ए ट्रांसपोज वाली इक्वेशन को सेकंड कह दें एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a plus a transpose equal to दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2r हाँ जी अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 2r अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं implies that r equal to 1 by 2 into में a plus a transpose r की वैल्यू ये आ गई और इसको हमने क्या माना था शुरू में p माना था शुरू में हमने इसको क्या माना था p माना था तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पोर्शन क्या होता है हाफ इनटू में ए प्लस ए का अब दोनों को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए पहले दोनों को क्या किया था ऐड अब दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट ऑन सबट्रैक्शन ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू टू एस एस इक्वल टू वन बाय टू इनटू में ए माइनस और इसको हमने क्या माना था क्यू ठीक है तो ये हमारा क्या होगा स्क्यूज मैट्रिक तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पोर्शन क्या होता है हाफ इनटू में ए प्लस ए ट्रांसपोज और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्यूज मैट्रिक पोर्शन क्या होता है हाफ इनटू में ए माइनस ए ट्रांसपोज अब लास्ट में लाइन लिखिए सर जो सिमेट्रिक और स्क्यूज मैट्रिक चलते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में चलते हैं उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है अब लास्ट में लाइन लिखे हेंस कॉमा ए कैपिटल ए लेना हेंस कॉमा ए इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल हेंस कॉमा ए इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Hence, comma A is uniquely expressible as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Full stop. हाँ जी clear है तो इसको theorem कहते हैं जिसको मैंने question डाला है इसका proof इस तरीके से है अब question देखिए second question
क्वेश्चंस है कि कहते हैं एक्सप्रेस एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू रो वाइज लिखेंगे 3x3 है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 3 4 5 3 2 4 5 as the sum of its matrix as the sum of its matrix and askew's matrix and skew's matrix matrix the b express se question aa jaye kehta express the matrix a equal to this As the sum of its matrix and skew's matrix, तो करने का तरीका क्या रहेगा लिखे सॉल्यूशन में वी है ए इक्वल ए क्या दे रखा हमें 3 2 3 4 5 3 2 4 5 implies a transpose implies a transpose transpose क्या होता है बेटा row change to column and column change to row तो क्या आएगा 3 4 2 3 2 3 पहले row को first column बना दीजिए second row को second column 4 5 3 2 4 5 ठीक है अब इसके बाद लिखिए so a plus a transpose